नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बार फिर चोरों की गैंग एक्टिव हो गई है। आए दिन चोर अलग अलग स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर मौके से फरार हो जा रहे। ऐसी ही एक घटना हमारे पास सामने आई है, जहां रात के करीब 2 से 3 बजे के दरमियान पंधाना रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के बाजू में जेके फर्नीचर शामिल में 3 से 4 नकाबपोश बदमाश आए और गेट का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनसे गेट का ताला नहीं टूटा, जिसके बाद बदमाश पीछे के रास्ते से गोडाउन के अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना गोडाउन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 से 4 नकाबपोश बदमाश दिखाई दे रहे। गोडाउन के मालिक ने बताया कि उनकी एक गोडाउन में किराने की दुकान है, दुकान में रखा सामान बिखरा दिया और कोल्ड ड्रिंक की बाटलें भी चोर पी गए, जिसके बाद चोरों ने कोल्ड ड्रिंक की बाटलों को पीछे फेंक दिया। हालांकि चोरों के हाथों कुछ नकदी रुपए नहीं लगे तो चोर दुकान के बाहर निकले और दुकान के बाहर रखी आरा मशीन के पार्ट्स, लोहे के पार्ट्स और पीतल के पार्ट्स चोर करीबन 17,000 रुपए का चोरी कर मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना गोडाउन के मालिक नन्ने खान ने तुरंत पुलिस को दी। वही सूचना मिलते ही कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने गोडाउन के मालिक को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बुलाया है। ये घटना आप सीसीटीवी में साफ तौर पर देख सकते हैं कि 4 नकाबपोश बदमाश किस तरीके से गोडाउन के अंदर घुसे और दुकान में रखा सामान को बिखरा दिया। चोरों ने चारों तरफ रेकी की, लेकिन चोरों को कुछ हाथ नहीं लगा तो चोर आरा मशीन के पार्ट्स को ही चुरा कर ले गए। दुकान के मालिक का कहना है कि आरा मशीन के जो पार्ट्स है लोहे के और पीतल के पार्ट्स थे, जो चोर चोरी कर ले गए। पंधाना रोड बड़ी आमना नदी के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां जेके फर्नीचर पर 3 से 4 नकाबपोश बदमाश रात के करीब 2 से 3 बजे के दरमियान अंदर घुसे और दुकान में पूरी तरह से सामान बिखरा दिया और सामान को कुछ चोर चोरी कर ले गए। हालांकि किराना दुकान में भी चोर घुसे थे, लेकिन किराना दुकान में उन्हें कुछ नहीं मिला तो चोरों ने दुकान में कोल्ड ड्रिंक की बाटलें पी ली और कोल्ड ड्रिंक की जो पेटी है, आप देख सकते हैं कि चोर किस तरीके से बाहर फेंक कर, चोर कोल्ड ड्रिंक की बाटले को बाहर फेंक कर चले गए, जिसकी सूचना दुकान के मालिक नन्ने खान ने कोतवाली पुलिस को कर दिए। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और इस घटना को लेकर दुकान के मालिक नन्ने खान ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। सुबह जब 6:30 बजे मैं दुकान खोलने के लिए आया, दुकान खोलने को आया तो मैंने देखा कि सामने दरवाजा का ताला टूटा हुआ है और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ, तो मैंने दुकान खोला, अंदर आने के पश्चात मैंने देखा कि यहाँ से जो माजा की एक पेटी थी वो नदारद थी, बाकी और मेरे को सामान अव्यवस्थित दिखा, तो मैंने लड़के को फ़ोन करके बुलाया, मैंने बोला सीसीटीवी कैमरा चेक कर, इसमें मेरे को लगता है किसी ने कुछ अंदर कुछ धांधल की है। तो लड़के ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और बताया रात के 1:45 बजे के करीब ये अपनी दुकान के सामने 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दुकान के शटर को चेक करते हुए नज़र आए और फिर उसके पश्चात वो दीवार के जो बाहर की आउटर की दीवार से दीवार पीछे गए। पीछे हमारी एक दीवार पिछले बाढ़ में क्षतिग्रस्त थी, तो वहाँ पर हमने कांटे की बागड़ा लगा रखी थी,
वो कांटे की बागड़ को हटाकर वो अंदर आ गए। उसके पश्चात उन्होंने अंदर का कुछ लोहा वगैरह चोरा और ये दुकान का पीछे से हमारा जो लकड़ी का दरवाज़ा है उसका ताला तोड़कर अंदर घुसे। तो अब उसके पश्चात देखा गया तो वो माजा की बात ने अनुमानित की चोरी हुई होगी। अनुमानित चोरी लगभग 15,000 के आसपास। परिचय दीजिए। नन्हे खान बताए। सर सुबह पापा दुकान खोलने के लिए आए तो गेट का ताला टूटा हुआ मिला। गेट का ताला टूटा हुआ मिला तो पापा ने फोन लगा के बुलाया मुझे। तो हमने फिर देखे तो सीसीटीवी कैमरा चेक करे, उसमें 3 संदिग्ध चोर थे जो बाहर अपनी शटर के पास से शटर उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनसे शटर खुली नहीं हो तो वो दीवार के सारे पीछे आए। पीछे के रास्ता मतलब पीछे अपनी दीवार थोड़ी डैमेज है, उस कारण से वो अंदर घुस गए। अंदर घुस गए तो आप पीछे हमारा दूसरे काम भी चलते हैं, वहाँ पर लोहे का सामान है और पीतल वगैरह का सामान है बंगार टाइप में। तो वो सामान भी गायब है वहाँ से और अंदर अंदर आके उन्होंने जाला ताला तोड़कर सीसीटीवी फुटेज के मतलब सीधा हमने जाला ताला तोड़कर वो अंदर सामान लेके गए। यहाँ से भी माजा की पेटियाँ वगैरह और इधर का तो ताला उनसे खुला नहीं तो वो नाकाम रहे यहाँ पर। और पुलिस भी आई थी क्या? पुलिस हमने फिर बाद में तत्काल फ़ोन करे पुलिस को, तो पुलिस के अधिकारी लोग भी आए कुछ, उन्होंने भी मौका मुआयना किए और कुछ पीछे माजा की बाटले पड़ी है ये भी मतलब उन्होंने वो कुछ सामान पीछे से गाया थे। क्या नाम आप? मोहसिन खान।